अध्यात्म में भाग्य या किस्मत मान्य है? मान्य क्या, वो तो होता ही है, उसमें मान्य की क्या बात है। अध्यात्म तथ्य को पूरा सम्मान देता है और सत्य के सामने समर्पित रहता है। तथ्य को सम्मान और सत्य को समर्पण, तो प्रारब्ध तो होता ही है। तुम जाओगे ऋषियों के पास तो साफ बताएंगे कि सब कुछ उपस्थित है तुम्हारे जीवन में, आगामी संचित प्रारब्ध सारे कर्मफल तुम्हें झेलने पड़ेंगे, सब है। ये तथ्यों की बात है, तुम किस घर में पैदा हुए हो अब इस बात से इनकार थोड़ी कर सकते हो, तो तथ्य है ही। इसी को तो तुम किस्मत बोलते हो ना, कोई अमीर पैदा हुआ, कोई गरीब पैदा हुआ, कोई लड़का कोई लड़की, कोई यहां कोई वहां, कोई ऐसा कोई वैसा, तो ये तो होते ही है। लेकिन सत्य इन सब तथ्यों से ऊपर होता है। तो एक तरफ तो इस बात को पूरी मान्यता दी जाती है कि प्रारब्ध होता है, और दूसरी तरफ साफ साफ ये भी समझा जाता है कि प्रारब्ध कुछ भी हो, कैसा भी हो, उसका उल्लंघन किया जा सकता है, सत्य तक पहुंचा जा सकता है। किस्मत बड़ी बात है, लेकिन किस्मत से भी बड़ी चीज कुछ और है। मनुष्य के जन्म में जैसे पशुता रहती है, वो अभी समझ में आ गया है, रूटीन है उसमें डेली, अभी क्या चल रहा है क्या नहीं, इजीली ये हो रहा है, उससे हम बाहर कैसे आ सकते हैं, हम मानव कैसे बन सकते हैं? ये यही शुरुआत है। कोई पशु कभी नहीं पूछता कि वो पशुता से बाहर कैसे आ जाए। कभी देखा है बिल्ली को पूछते कि मैं अपने बिल्लीत्व का अतिक्रमण कैसे करूं? तो वानरत्व हो कि बिलारत्व हो, पशु अपनी पशुता से संतुष्ट है, उसे कुछ कचोटता नहीं कि कहां फंसा हुआ हूं, क्या कर रहा हूं। वो खाता है पीता है मजे में पड़ा रहता है। उसे कभी अगर छटपटाहट होती भी है तो इसी बात की होगी कि खाना ना मिले या धूप छाओ गड़बड़ हो जाए या घाव हो जाए, स्वास्थ्य की कुछ गड़बड़ हो जाए या कोई पकड़ के बांध दे, अन्यथा उसे कोई दिक्कत नहीं। आदमी अकेला है जिसको ये फांस बींधता है कि मैं बंधन में क्यों हूं और कैसे मिलेगी मुक्ति। पशु की पहचान ही यही है कि उसे मुक्ति की कोई आकांक्षा नहीं। तो नर पशु की भी तुम पहचान ऐसे ही कर सकते हो। नर पशु कौन? जिसे मुक्ति की कोई अभीप्सा नहीं, जो जी रहा है और कभी रो नहीं पड़ता कि मुक्ति कैसे मिलेगी, उसी का नाम है नर पशु। जो हजार तरीके की बातें करता है, हजार विचार रखता है, बस एक बात एक विचार कभी नहीं करता, क्या कि मुक्ति कब मिलेगी कैसे मिलेगी, उसी का नाम है नरपशु। और खेद की बात यह कि नरों में अधिकांश नरपशु ही हैं। आपने मुक्ति का सवाल उठा दिया ना, बस पशुता से बाहर आने की शुरुआत हो गई। अब इसी सवाल को और महत्व दीजिए, इसे भीतर स्थापित हो जाने दीजिए, इसी सवाल को अपने जीवन का अपने कर्म का केंद्र बना लीजिए, इस सवाल को इतनी ताकत दे दीजिए कि आपके जीवन को संचालित करना शुरू कर दे।
पशुता छूटने लगेगी, बंधन कटने लगेंगे। वो ऐसा है अब क्योंकि इसमें कोई बात नहीं, त्रिगुणात्मक प्रकृति है, उसमें से हर तरीके की निर्मितियां होती हैं। छोटा पौधा बड़ा पौधा होता है, काला आदमी सफेद आदमी होता है, तो वैसे ही कुछ लोगों की बुद्धि मंद होती है, कुछ लोगों की बुद्धि तीव्र होती है, कुछ लोगों की स्मृति बड़ी विशिष्ट होती है, कुछ लोगों की स्मृति हल्की होती है, कोई शरीर से बलशाली होता है, कोई नहीं होता है। इसमें क्यों की कोई बात नहीं है, ये प्राकृतिक विविधताएं हैं। लेकिन शरीर काला हो, सफेद हो, मोटा हो, पतला हो, और काफी चीजें हैं, वो मुझे लगता है कि उसकी मुक्ति में बाधक नहीं बनेगी, लेकिन जिसकी बुद्धि कम होती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो चीजों को समझ नहीं पाता। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले भी किसी ने बुद्धि के विषय में शंका करी थी शायद, और मैंने कहा था कि बुद्धि ही एकमात्र रास्ता नहीं है। तीव्र बुद्धि होने के जितने लाभ हैं उतने ही खतरे भी हैं। अंततः सब इस पर निर्भर करता है कि तुम्हें अर्थात अहम को मुक्ति की आकांक्षा कितनी है। बुद्धि पर नहीं, नियत पर निर्भर करता है। इन दोनों बातों का भेद समझना। नियत, इरादा, इच्छा, मुमुक्षा, वो आवश्यक है। बुद्धि कम ज्यादा हो चल जाएगा।